हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी देखिए कद्दू काट लिए हैं। कद्दू है कि कोड़ा है, हम लोग कोड़ा बोलते हैं। और इधर बाबू खेल रहा है, बाबू का गाड़ी है, फोन चल रहा है नारे। और इधर खाना बना लिए हैं, भात गिर रहा है और चाय, लाल चाय। और इधर दाल है और कुछ नहीं बनाए हैं, देखते हैं क्या। उसी को बनाने में तो टाइम लग जा रहा है, कैसे बनाते हैं पता नहीं। पानी आ रहा है इतना जोर से, ये सबका वाइट वाइट हो गया है। देखो तो पूरा भीग गया है, हम लोग का झाड़ू सब भीग रहा है। पक गया है। और इधर रोटी है, इधर छिलका रोटी है आटा का, और आटा का इधर रोटी है गोल वाला। अच्छा बांध लिए हैं, अब घर लौट रहे हैं। ऐसे भर गया है बरसात से, और उधर डैम भी पूरा पानी भर गया है। इधर घर बन रहा है आदमी लोगों का, इधर बड़े बड़े टावर हैं बिजली वाले। इतना कीचड़ में चलना तो बहुत मुश्किल होता है। कैसे बताएं, इस बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जगह जगह पानी भर गया है। इधर भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है शाम का नज़ारा में, बहुत ही सुंदर। लेकिन देख रहे हैं रास्ता बहुत ख़राब है, आने जाने में भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। ऐसे बरसात में कीचड़ हो जाता है कि आदमी कैसे आना जाना करे। इधर भी कीचड़ है, ये है मूंगफली, इधर रोपा हुआ है, कितना अच्छा हरा भरा दिख रहा है मूंगफली है। और इधर है पलास का पेड़, ये देखिए। और इधर तो देखिए झूड़ ही झूड़ है, हम लोग का ये रास्ता है पक्का नहीं है, रोड कच्ची रोड है, कच्ची रोड से जाते हैं मेन रोड में चढ़ने के लिए। अभी रोड नहीं पहुंचे हैं। और इधर मड़ुआ रोपा हुआ है, देखिए इतना बड़ा बड़ा है मड़ुआ, दिखाते हैं आपको। देखिए चारों तरफ
बहुत ढेर सारा मड़ुआ रोपा हुआ है। शाम का टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है, इधर खेती है तो। देखिए निकले हैं रास्ते में ना बाबू,